Assalamualaikum everyone, welcome back to Master Tech YouTube channel। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हूँ ऐसे स्मार्टफोन को यार जो कि आप लोगों को यार ऑलराउंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा और उसके डिजाइन से लेकर उसकी परफॉर्मेंस तक लाइक हर चीज बेहतरीन किस्म की है यार। स्मार्टफोन आप लोगों को अंडर 50,000 रुपीज देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पर जो है ना बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है इसके अंदर पीटी अप्रूव और नॉन अप्रूव की। तो आपको बजट अगर थोड़ा सा कम है तो आप नॉन पीटी भी ले सकते हो, वैसे पीटी अप्रूव भी जो है ना 50,000 इसके अंदर इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। आई विल रिकमेंड कि आप जो है ना पीटी अप्रूव की तरफ जाएं, क्योंकि टोटली वर्थ इट है यार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्मार्टफोन मैं टोटली रिकमेंड करने वाला हूँ गेमर्स को, वैसे हर तरह के यूजर के लिए है, क्योंकि इसके अंदर सारी आपको जो है ना चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इस तरह मैंने डिस्कस किया कि ऑलराउंड है, लेकिन ज्यादातर जो है ना ये है भैया 90 FPS, क्योंकि आपको लोगों पबजी में प्रोवाइड करता है, तो ये 90 FPS वाले लोगों के लिए है भाई, जो मतलब टोटली गेमिंग करते हैं ना उनको लाइक 90 FPS 60 to 90 FPS बहुत ईजिली प्रोवाइड कर देता है ये स्मार्टफोन। तो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने क्या करना है जस्ट वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पे अगर आप इसको न्यू होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह का कंटेंट आता रहता है चैनल के ऊपर। काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी इस चीज़ से रिलेटेड बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मतलब हर बजट के लिहाज से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है ना कवर करा करूँ स्मार्टफोन्स को। आप लोगों की कौन सी बजट कैटेगरी जिसमें आप लोगों ने स्मार्टफोन देखना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप में से कोई बंदा ये स्मार्टफोन जो कि आज की वीडियो में बताऊंगा वो यूज़ कर रहा है तो वो अपने यूजर एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट के डिजाइन के बारे में। और फ्रंट का जो डिजाइन है ना यार वो ही कुछ ऐसा है ना कि लाइक आपको यहीं से वो अट्रैक्ट कर लेगा। लाइक आप लोगों को टोटली बेजललेस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को स्क्रीन के अंदर कोई कैमरा देखने के लिए मिलता ही नहीं है। मतलब फ्रंट कैमरा स्क्रीन के अंदर लगाया नहीं गया, टोटली बेजललेस डिस्प्ले, ऐसा लगता है कि पूरा डिस्प्ले उठा के आप लोगों को दे दिया। बहुत ही मैं बोलूंगा कि यार प्यारा लगता है यार, और वन ऑफ माई फेवरेट स्मार्टफोन जो कि प्रोबेबली मैं कमिंग टाइम में जो है ना इस पर स्विच भी कर लूँ या एज ए सेकेंडरी फोन इसको इस्तेमाल भी करूँ। ओवरऑल डिज़ाइन से मैं बहुत इंस्पायर हूँ उसके, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को ना 6.7 इंचज का एक एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल रहा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन देखने के लिए मिलती है भाई। तो यार आप कह लो कि यहीं पे चीजें जो है ना लाइक ये लॉक कर देता है डिस्प्ले वाइज। तो ऊपर से इन एडिशन के यार 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिलता है, और यू नो व्हाट HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो आप ये कह लो कि कंप्लीटली डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन बीस्ट है यार। और अंडर 50,000 रुपीज जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये जो वेरियंट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 8GB रैम और 256GB वाला वेरियंट देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके अंदर आई थिंक 6GB रैम वाला आया था, बट आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मेरा ख्याल से इंपोर्ट होता है या नहीं। अगर हो सकता है कहीं आपको मिल जाए मार्केट के अंदर एक दो पीस इंपोर्ट हुआ है तो मिल जाए, वैसे 8256 जो है ना आई थिंक सो आता, जहां तक मतलब मेनली स्टॉक मैंने उसी का ही देखा है मार्केट के अंदर। तो यार ये स्मार्टफोन आप लाइक आंखें बंद करके खरीद लो बिल्कुल, क्योंकि ये इस टाइम पे मैं बोलता हूँ ना यार कि बेस्ट वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है अंडर 50,000 रुपीज। आई थिंक सो काफी ज्यादा सस्पेंस हो गया, तो यार मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले नाम बता देता हूँ स्मार्टफोन का। ये स्मार्टफोन जो है ना यार वन प्लस की तरफ से आता है, वन प्लस 7 Pro। और वन प्लस 7 Pro यार लिटरली एक मैं बोलता हूँ ना यार लाइक मेरा जिस तरह मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिजाइन वाइज मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है फ्रंट के डिजाइन वाइज, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, यानी स्क्रीन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता, जैसे फ्रंट कैमरा जैसे ओपन करते तो वो मोटराइज एक मोटर है जो कि वो निकल के आ जाती है, और लाइक आप लोगों को टोटली बेजललेस डिस्प्ले पूरी स्क्रीन के साथ देखने के लिए मिलता है। और ये बहुत कूल लगता है अगर आप पब्लिक प्लेस वगैरह पर फ्रंट कैमरा ऑन करो, लाइक यू नो के ग्रुप सेल्फीज वगैरह में एक अलग ही शशका क्रिएट होता है। तो खैर एंड्रॉयड फोन्स के भी अपने ही शशके होते हैं यार, लोग पता नहीं आईफोन पे क्यों मरते हैं। खैर अभी तो जिस तरह का 14 सीरीज का हाल चल रहा है तो आप लोगों को पता ही है। तो आई थिंक सो कि यार मेरे ख्याल से हर चीज़ डिज़ाइन वाइज हर चीज़ वाइज ये स्मार्टफोन लाइक परफेक्ट है हर तरह के यूज़र के लिए। भाई मैं कंपेयर नहीं कर रहा आईफोन से, मैं जैसे एक नॉर्मल बात कर रहा था, वो कंपेयर बिल्कुल भी नहीं है। बैक का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में, लेकिन जो बैक का जो कैमरा मॉड्यूल लगाया गया है वो थोड़ा सा बेसिक लगाया गया है, और ट्रिपल एयर कैमरा का सेटअप है वहाँ पर आप लोगों को बैक पर जो देखने को मिलता है, जिसमें से मेन जो सेंसर है वो 48 MP का देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो है ना आप लोगों को दूसरा जो कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड 16 MP का देखने को मिलता है, और एक और है 8 MP का टेलीफोटो लेंस, एंड आई थिंक सो 3x इसके अंदर जो है ना आप लोगों को जूम भी देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ OIS भी देखने को मिलती है, यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी आप लोगों को स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यार। और
कैमरा वाइज भी आप कह सकते हो काफी अच्छा स्मार्टफोन है। बहुत ज्यादा उस लेवल की आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से रेट कर सकता हूँ लाइक एक्सीलेंट और वेरी गुड के दरमियान में। एक्सीलेंट समझ लो मैक्सिमम होगा और वेरी गुड समझ लो कि एवरेज होगा, एवरेज और मैक्सिमम के दरमियान में कहीं। बाकी जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा यानी मोटराइज्ड पॉपअप निकलता है वो। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एमोलेड पैनल है तो डेफिनेटली, और स्पेसिफिकेशन भी काफी ज्यादा फ्लैगशिप वाली है तो इसके अंदर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है भाई। अब मेन चीज आ जाती है, बात आ जाती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलती है। आई थिंक सो ये 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। 855 यू नो के लाइक लेवल ही अलग है, लाइक बिल्कुल लेवल अलग है भाई। 90 FPS सगुन से आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। गेमिंग शेमिंग क्या आप मतलब हर चीज कर सकते हो स्मार्टफोन, मल्टीपल एप्स, 256 GB है भाई, रगड़ा दो सही का। तो स्मार्टफोन मैं बता रहा हूँ ना कि यार हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है यार। बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी 4000 mAh की देखने के लिए मिलती है और 30W की वार्प चार्जिंग देखने को मिलती है, जिसको वही आप कह लो फास्ट चार्जिंग 30W की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ओवरऑल स्मार्टफोन को अगर देखा जाए ना तो ये स्पेसिफिकेशन एक तो आप लोगों को कोई लाख से ऊपर वाले स्मार्टफोन्स के अंदर आजकल मेरे ख्याल से प्रोवाइड हो रही हैं, और इस तरह का जो डिज़ाइन है ना वो तो लाइक फ्लैगशिप्स के अंदर ही आता है यार। ओप्पो वगैरह लॉन्च करते थे अपने रेनो की सीरीज में कभी, तो यू नो के फाइंड एक्स की सीरीज में भी इस तरह का पॉपअप आते थे, और मतलब उनका डिज़ाइन थोड़ा सा दूसरा होता था, लेकिन मतलब इसी तरह का डिज़ाइन आते थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा आना बंद हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे को अभी ये बहुत अच्छा लगता है, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि यार आप लोग इस स्मार्टफोन को आगे बन करके परचेज कर सकते हो। ये इस टाइम पे मैं बोलता हूँ 150,000 rupees एक बेस्ट वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, खासतौर पर गेमर्स हजरात के लिए, जिसका मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ज़बरदस्त है। और एक और चीज़ की, अगर आप में से कोई यूज़र जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई रिश्तेदार या आपको कोई दोस्त इसको यूज़ कर रहा है, तो काइंडली अपना जो एक्सपीरियंस है या उनका जो एक्सपीरियंस है वो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करिएगा। चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट साथ में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है चैनल के ऊपर, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आगे आने वाली चीज़ें जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है यार, चैनल के ऊपर कंटेंट मज़े का आने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार काइंडली। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी नई और एक्साइटिंग वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।